क्लास टेंथ मैथ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, 1 से 50 तक आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। 1/√3, तो 1/√3 जो है 10 30 डिग्री का मान होता है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। 52 नंबर, यदि √2 cos θ1 = 1 है तो थीटा का मान बताना है, तो √2 जो है बाटम में आ जाएगा, गुणा में रहता है तो बाटम में आ जाता है, तो 1/√2 cos θ में कितने का मान होता है, तो cos 45 का मान होता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। sin²45 + cos²45, देखिए sin²θ + cos²θ 1 होता है, थीटा सेम है थीटा के जगह पर, तो एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 90 - θ, तो sin 90 - θ cos θ होता है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए 10, 25 और 65 को जोड़ दिया जाए तो 90 हो जाएगा, और 10, 10 में तो एक आंसर होता है उसका, और 10, 20 और 17 जोड़ेंगे तो 90, इसका भी एक और एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा, तो बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 2θ = 60°, तो थीटा के मान 30° हो जाएगा, समझ गए, और साइन के जगह जो है 30 रख देंगे अब, तो sin 30 के मान 1/2, तो आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए cos θ = x, तो sec θ = क्या फार्मूला होता है, 1/cos θ, तो 1/x हो जाएगा, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसके बाद है cosec θ = 5/3 है, तो cot θ के मान, तो h/p होता है, b निकालेंगे तो आएगा 4, इसका हो जाएगा b/p, तो 4/ आपका हो जाएगा 3, तो डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है sin 35/cos 55 है, जोड़ने पे 90 है, sin/cos 1 आंसर, ठीक है। 1+tan²θ = sec²θ होता है, 1+cot²θ = cosec²θ होता है। टू जो है बाटा में हो जाएगा, तो साइन में 60° का मान है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। cos A = 4/5 है, यहाँ पर हम पी निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 10A = 3/4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन है cos π/3, तो पाई का मान होता है 180°, तो cos 60° हो जाएगा, 1/2, ए नंबर आंसर। sin 90 - 43, तो sin 90 - θ cos θ, तो हो जाएगा 43, यहाँ पर 43 इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको बना देंगे 43, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका मान 0 होता है, इसमें से किसका मान 0 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है, तो बी नंबर आंसर। sin θ = जो है 1/cosec θ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। sec²θ - 1/tan²θ, आंसर हो गया सी नंबर। sec²θ - tan²θ = 1 होता है, फार्मूला होता है ये, √3 बाटा में आ जाएगा, तो tan θ = 1/√3, 30° का मान होता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी देख सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद आपको हम सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं।